प्राकृतिक शिक्षण के अंतर्गत कपास के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और वो कपास के गोलक इन टोकरियों में इकट्ठा कर रहे हैं, जिनमें आप रुई को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कपास के जो बीज होते हैं बसंत ऋतु के पूर्व बोए जाते हैं और 2 महीने में इनकी झाड़ी तैयार हो जाती है और इसके बाद इनमें फूल लगते हैं और लगभग 1 सप्ताह के बाद इन फूलों के दलपुंज गिर जाते हैं और दलपुंज गिर जाने के बाद हम नींबू के आकार के हरे रंग के फल स्पष्ट रूप से इन पौधों पर देख सकते हैं। कुछ समय बाद ये फल पककर फट जाते हैं और फटने के बाद इन फलों में कपास के रेशे को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और इस प्रकार फटे हुए फलों को कपास के गोलक कहा जाता है। और छात्रों ने देखिए यहाँ पर टोकरियों में बहुत सारे गोलक इकट्ठा कर लिए हैं।